अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के डिफरेंट कंसेप्ट के डिफरेंट एमसीक्यूज। उनके करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी नेम फॉर द फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट डजेंट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट। यानी ऐसा फेज जो हमारे पास डायरेक्ट लाइट जिसको नहीं चाहिए होती, उसमें जो है उसका क्या नाम है, प्राइमरी नेम क्या है। लाइट डिपेंडेंट फेज, ये हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शन को कहते हैं। डार्क फेज, कार्बन फिक्सेशन फेज, रिडक्टिव। तो डार्क फेज बीटा यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। इसको हम जो है वो केल्विन साइकिल भी कह देते हैं, बिकॉज ये केल्विन मेलविन केल्विन ने जो है वो डिस्कवर किया था। कार्बन फिक्सेशन फेज और रिडक्टिव फेज, ये दोनों यहाँ पर जो है हमारे पास केल्विन साइकिल के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर टू, व्हाट आर द एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर द ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो हमारे पास डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, NADPH एंड ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो यहाँ पर क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शन में यूज होते हैं। और ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बेसिकली टोटल फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोडक्ट है। ग्लूकोज और जो हमारे पास ऑक्सीजन है प्रोडक्ट है, एट द एंड ऑफ द जो है वो फोटोसिंथेसिस बनता है G3P से। और NADPH और ATP, ये हमारे पास बीटा जो है राइट ऑप्शन है। यहाँ पर NADPH जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है रिड्यूसिंग पावर रखता है, रिड्यूसिंग रिडक्शन करवाता है CO2 की। और ATP जो है, ATP में हमारे पास जो है वो सीमिलेटिंग पावर होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर थ्री, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ NADPH इन द डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। NADPH का जो है प्राइमरी रोल क्या है, टू प्रोड्यूस ATP, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिलीज ऑक्सीजन, टू जनरेट ग्लूकोज। से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि NADPH जो है हमारे पास, इसमें जो है वो रिड्यूसिंग पावर है, तो ये हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास है एमसीक्यू नंबर फोर, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डार्क फेज ऑफ द फोटोसेंसिस एंड इज यूज टू मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट की, तो ये हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। और इसमें अगर हम पहले दो ऑप्शन की बात करें, तो ये हमारे पास दोनों जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में जो हैं वो बनते हैं और वहीं पर जो हैं वो यूज़ होते हैं। और हमारे पास सी ऑप्शन जो है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, G3P। हर डार्क साइकिल में जो है, ईच डार्क साइकिल में 1 G3P जो है हमारे पास यूज़ होता है, बनता है ईच केल्विन साइकिल में। तो जब ये दो बनते हैं, 2 G3P मिलकर जो है हमारे पास जो है वो एक ग्लूकोज जो है बनाते हैं, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, इन सम प्लांट बिसाइड द केल्विन साइकिल व्हाट अदर मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन द डार्क फेज ऑफ द फोटोसेंसिस। तो बिसाइड द केल्विन साइकिल अदर मैकेनिज्म कौन सा है, मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है। सबसे पहले तो हम बात करें केल्विन साइकिल की, तो केल्विन साइकिल को जो है हम C3 पाथवे कहते हैं, केल्विन साइकिल को या डार्क रिएक्शन को। तो ऐसे तमाम प्लांट जो जो हमारे पास जो है केल्विन साइकिल को फॉलो करते हैं, उसको हम जो है वो C3 प्लांट्स भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ हो सकता है, वो ऑप्शन सी है, C4 पाथवे भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग CO2 विद रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इज कॉल्ड रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज कार्बन कार्बोनिक एनहाइड्रेज फोटोसिस्टम 1 ATP सिंथेज। ATP सिंथेज जो है, ये ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिस्टम 1 जो है, ये हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शन में होता है। और इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एसिड को बनाने में हेल्प देता है, H2CO3 को। और जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो अल्फा है, इसको हम जो है वो रुबिस्को भी कहते हैं। तो रुबिस्को जो है वो CO2 को रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट यानी RUBP के साथ जो मिलाने में जो है वो हेल्पफुल होता है। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, ड्यूरिंग द कार्बन फिक्सेशन फेज ऑफ द केल्विन साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड 3 PGA आर फॉर्म फ्रॉम ईच CO2। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं फ्रॉम ईच CO2। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 CO2 होती हैं, और इनसे जो है हमारे पास जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनते हैं।
इसका मतलब है जी, हमारे पास जो एक CO2 होगी उससे जो है हमारे पास 2-3 PGA के मालिक्यूल जो हैं वो बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 8, विच फेज ऑफ द कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व द कन्वर्शन ऑफ द 3-फॉस्फोग्लिसरेट इंटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पर उसने पूछा है कि 3 PGA से जो है G3P में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा फेज़ यूज़ होता है। तो हमारे पास जो है वो 3 फेज़ हैं। सबसे पहले है जी कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन ऑफ RUBP है। तो 3 फेज़ हैं कार्बन साइकिल के। कार्बन फिक्सेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, यानी इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है CO2 जो इनऑर्गेनिक हमारे पास मॉलिक्यूल है उससे जो है वो कार्बन एटम जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है। रिडक्शन जो है वो देन जो है 3 PGA की ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्शन है, और रीजनरेशन ऑफ RUBP है जी जब एक G3P निकल जाता है उसके बाद जो बाकी 5 जो हमारे पास G3P के मॉलिक्यूल होते हैं वो RUBP जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आर प्रोड्यूस इन द रिडक्शन फेज ऑफ द कैल्विन साइकिल। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है टोटल 6 जो है 3 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। ग्लिसरल्डिहाइड के वहाँ से जो है हमारे पास जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो है वो हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। 6 से जो ईच जो है हमारे पास 3 PGA वो G3P में कन्वर्ट होता है, तो उससे जो है 6 जो होंगे वो हमारे पास 6 G3P बना देंगे, जिनमें से जो है वो 1 G3P जो है वो लेफ्ट कर जाता है लेफ्ट द कैल्विन साइकिल, और जो बाकी 5 होते हैं वो रीयूज्ड होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो 6 जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 10 है, ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ द रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इन द कैल्विन साइकिल विच मॉलिक्यूल प्रोवाइड द कार्बन एटम नीडेड टू रीफॉर्म द RUBP। तो यहाँ पर अगर हम देखें उसने कहा है कि RUBP बनाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम प्रोवाइड करता है, ATP, G3P, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, NADPH। तो NADPH जो है ये हमारे पास CO2 की रिडक्शन करवाता है, ATP जो है सिम्युलेटिंग पावर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है ये G3P में कन्वर्ट हो जाता है, और G3P जो है वो हमारे पास जो है वो कार्बन एटम जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर RUBP। RUBP एक 5 कार्बन जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इन द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में हमारे पास जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमें मालूम है कि कैल्विन साइकिल में हमारे पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आते हैं, और जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जो है वो लेफ्ट करता है लेफ्ट द साइकिल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑप्शन सी होगा, 3 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12, व्हाट इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द कैल्विन साइकिल रिप्रेजेंटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जिसने पहले ही बता दिया कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज हुए हैं, तो बीटा और जो डेल्टा ऑप्शन है ये तो वैसे ही रूल आउट हो गया। अब हमने अल्फा और चार्ली में से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो है वो 3 CO2 के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, प्लस 6 जो है हमारे पास NADPH यूज होता है, और उसके अलावा जो है वो 9 ATP जो है वो हमारे पास जो है वो यूज होते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 13, इसमें मुझे पूछा है जी इन द कैल्विन साइकिल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ATP। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ATP रिड्यूसिंग CO2, रीजनरेटिंग RUBP, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, फिक्सिंग कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग CO2 है ये हमारे पास जो है वो NADPH का फंक्शन है, और रीजनरेटिंग RUBP ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शन ऑफ ATP होता है। ATP यहाँ पर जो है हमारे पास ADP प्लस जो है वो फॉस्फेट एटम में जो है वो स्प्लिट कर जाती है, जिसकी वजह से फॉस्फेट एटम जो है वो RUBP के साथ आकर जो है वो अटैच हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 14, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इन द कैल्विन साइकिल। 1, 3, 5, 6। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि NADPH के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं कैल्विन साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनाने के लिए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जो है वो लेफ्ट करता है साइकिल को, तो पूरे कैल्विन साइकिल एक कैल्विन साइकिल के उसने पूछा कितने NADPH यूज होते हैं। तो एक कैल्विन साइकिल में अगर हम बात करें तो हमारे पास CO2 के जो है वो 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, प्लस जो है हमारे पास 9 ATP यूज होंगे,
और 6NADPH जो है ये हमारे पास जो है वो यूज होंगे। तो यहाँ पर 6 बीटा डेल्टा ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के डिफरेंट एमसीक्यू जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बस ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।